हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी क्रिसमस डे। आज है क्रिसमस, है छुट्टी है। और आपको एक बात बता रही हूँ, कोरोना आने लगा है, अपना ध्यान रखिए, गैदरिंग से बचिए। अगर गैदरिंग में जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी करके जाइए। जी हाँ, देखिए, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का जवाब मांगा था, एक दो ने छोड़ के किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने आपसे यही पूछा था, क्या आप शीला बाई को पसंद करते हैं? प्यार करना, पसंद करने में अंतर होता है। शायद आप उसे पसंद करते हैं, अगर आप पसंद नहीं करते, मैंने कल भी कहा था, तो आप मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं, छोड़ते नहीं। आप बिचिंग पसंद करते हैं, आप बुराई पसंद करते हैं, जो लोग करते हैं वो आपको पसंद है, ठीक है। आप इम्तियाज़ नाम के इंसान को जानते होंगे, जो पहले उमेश था। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी बात है वो, आप लोगों का मुझे पता नहीं। एक इम्तियाज़ नाम का इंसान है सोशल मीडिया पे, वो पहले उमेश था, ट्रक ड्राइवर था, मुसलमानों द्वारा बहुत पीटा गया था, बहुत मारा गया था उसे। आखिर में ऐसा क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि वो मुसलमान बन गया। उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी उसकी वो है, इम्तियाज़ करके आप डालोगे तो आ जाएगा। बात यह नहीं है कि वो मुसलमान बन गया, बात यह है कि उसने अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और पूरे 10 साल बाद वो अपने घर वापस आया है। दिवाली पर नहीं, वैसे ही 10 साल बाद घर वापस आया है। उसके एक बेटा हो गया, उसके माँ बाप भाई बहन सबने छोड़ दिया था उसे। एक भाई की उसकी डेथ हो गई थी, काफ़ी टाइम बाद उसके एक बेटा हुआ शादी के, मुस्लिम लड़की से उसने शादी करी, तो उसने अपना घर परिवार अपना धर्म तक छोड़ दिया। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं इश्क, इश्क बोलते हैं। और अब भी उसने यही बात कही है कि अगर दिवाली पे वो घर आया है, कह रहा मैं तो दिवाली मनाता नहीं हूँ, घर वालों ने मनाई है, वो आया है, उसके घर वाले अब सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि देखिए, माँ जब माँ बोलते हैं तो मुँह खुलता है। माँ जो होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, उसे अपनी औलाद हर चीज़ से बढ़कर उसे अपनी औलाद होती है। उसने अपनी औलाद को जब उसने सुना कि मेरे बेटे के बेटा हुआ है, तो उसने सब कुछ भूल के अपने बच्चे को अपना लिया। जी हाँ, और दिवाली पे भी अपने घर गया, कहा उसने मैं तो नहीं मनाता, लेकिन उसने एक बात और कह दी कि अगर मेरे घर वाले अगर ये शर्त रखते हैं कि तू धर्म छोड़ के दोबारा हिंदू धर्म में आ जा, तो मैं अपने घर वालों को फिर छोड़ दूंगा। इसे कहते हैं क्या, पक्का इरादा। ये बात मैंने आपको क्यों बनाई, जैसे मैंने अपने लिए बताई कि ये पक्का इरादा है मेरा। जी, ये नहीं कि देखिए, वो हिंदू धर्म की बुराई भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है तो वो हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है। जी नहीं, वो कह रहा वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगा, मुझे जो लगा मैंने कर लिया, मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, मुझे लगा कि ये धर्म पक्का है, मैंने कर लिया। ठीक है, वो उनकी खुशी है, है ना। ये जो हिंदू मुस्लिम कपल है, ये इस मतलब मैं क्या बताऊं उसे, इतनी मतलब बेशर्माई कहते हैं ना जिसे, बेशर्माई तेरी आसरा वाली, इतनी बेशर्माई से बोलती है, इतने उससे बोलती है कि मैं क्या बताऊं, समझे। और वो कह रही थी ना, कल बता रही, परसों बता रही थी, कल तो मैंने उसकी वीडियो देखी नहीं, परसों बता रही थी कि आधे मुसलमान बताया था उन्हें। तो एक बात बताओ, वो आधे मुसलमान या तुम आधी मुसलमान, तुम कह रही मेरे बच्चे पूरे मुसलमान, जी नहीं, तुम्हारे बच्चे पूरे मुसलमान नहीं, तुम्हारे बच्चे भी आधे मुसलमान हैं। तुम कह रही ना, तुमने किसी को कहा था कि तुम आधे मुसलमान हो, किसे कहा था, कि जायके वालों को कहा था, मैंने इसको कहा था कि इसकी बच्चे जाने, इसकी माँ आधी मुसलमान, तो तुम भी आधी मुसलमान हो, तुम तो पूरी मुसलमान हो ही नहीं, या हो अपने दिल से समझिए, लेकिन बच्चों की बात कर रही हूँ, वो भी आधी मुसलमान है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उनकी माँ हिंदू और बाप मुसलमान, भले ही तुमने धर्म अपना लिया, लेकिन जो रगों में जो खून है तुम्हारे, वो एक हिंदू का खून है, क्योंकि तुम्हारा बाप भी हिंदू और माँ भी हिंदू, समझ गए। जी हाँ, तो मैं इम्तियाज़ की बात करूंगी, मैं यही कहूंगी कि देखिए, आप इंसान जो होता है ना, वो करता है
या ऊपर वाला कराता है पता नहीं, जिसमें उसे खुशी मिलती है, जिसमें उसे सही मिलता है। अब ऐसा उसके साथ क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, उसने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ जो उसने, उन्होंने ही उसे मारा और वही उसने धर्म अपना लिया। वो बताता नहीं इस बात को, घर वाले इसलिए नाराज थे उससे। जी हाँ, मैं आपको रोज अलग अलग लोगों की, अलग अलग लोगों के बारे में बताती हूँ, सही बताती हूँ, कोई गलत नहीं बताती, किसी की बिचिंग नहीं करती। शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आता, मत आने दो, दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, है ना जी। तो कोई ना किसी को तो पसंद आएगी ना, उसे तो पसंद आएगी ना, कोई नहीं, मत देखिए। ठीक है, तकलीफ है इस बात की, दुख है इस बात का कि आप शीला बाई को ही पसंद करते हैं, है ना, या आप बिचिंग ही पसंद करते हैं, अच्छी बातें आपको पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, इंसान दुनिया में हर तरीके का होता है। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, जो भी ट्रेंडिंग पे होगा उसके बारे में मैं बात करूंगी, अगर मेरे दिल को और दिमाग को सही लगा तो। मुझे ये बात सही लगी इम्तियाज की, मेरा मन करा मैं वीडियो बनाऊँ, कल मैंने देखी, मैंने बनाई। ठीक है, वीडियो अगर आपको सही लगे थोड़ी सी भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है ओके, और मुझे लाइक और कमेंट कर देना जैसा भी चाहो। ठीक है।